आने वाली दुनिया कैसी होगी, सबकी अपनी कल्पनाएं और अंदाजे होते हैं। विज्ञान दुनिया को नए तरीके से देख रहा है। आज की कल्पनाएं निश्चित तौर पर आने वाले वक्त के धरातल पर होंगी। ऐसा नहीं है कि भविष्य दर्शन केवल फिल्मकारों की कल्पना तक सीमित है, वैज्ञानिक भी इसमें खासी रुचि ले रहे हैं। तथ्यों और पूर्व अनुमानों के सामंजस्य को विज्ञान की कसौटी पर परख कर भविष्य की कल्पना एक नए विज्ञान की राह खोल रही है। ये विज्ञान है फ्यूचरोलॉजी का, यानी भविष्य विज्ञान। आपने कभी सोचा है क्या हमारा परिचय धरती से परे किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों से होगा? क्या इंसान मौत पर विजय पाने में कामयाब हो पाएगा? नामुमकिन सी दिखने वाली ऐसी कल्पनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी फ्यूचरोलॉजी के तहत किया जा रहा है। भविष्यविदों की साल 2050 पर खास नजर है। कारण यह है कि 2050 ऐसा वक्त है जिसे वर्तमान पीढ़ी के अधिकतर लोग देख सकेंगे। तब तक तकनीकी रूप से 21वीं सदी का आधा वक्त गुजर चुका होगा और फिर कुछ डिजिटल से भी ज्यादा डिजिटल लगने लगेगा हमारा भविष्य। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आने वाली कल की झलक। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। दोस्तों, साल 2050 तक कई सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तब तक इंसानों की जगह इंटेलिजेंट रोबोट ले लेंगे और ये रोबोट घर का खाना बनाने से लेकर होटल के वेटर तक का सभी काम करेंगे। और 2050 तक हर बीमारी का इलाज संभव हो जाएगा और लोग अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल करेंगे और वो उन रोबोट्स के साथ शारीरिक संबंध भी बना सकेंगे। आज के समय में विज्ञान इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है कि हर चीज का ट्रांसप्लांट संभव है और किसी भी तरह की कृत्रिम को भी इंसानी शरीर में ढाला जा सकता है। और हाल ही में एक यूट्यूबर जैक ने अपने हाथों में $3,00,000 खर्च करके ब्लॉक कैमरा लगवाया है, जो कि मुट्ठी को बंद करते ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और इसका इस्तेमाल करके आप कहीं पर चलते फिरते वीडियो और फोटोज ले सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, साल 2050 तक सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कार ही दौड़ेंगी, जिसकी मदद से दुनिया में दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी और एक इशारा करते ही ये कार पार्किंग से निकलकर आपके पास पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि टेस्ला कंपनी के फाउंडर ने एक ऐसी ही शुरुआत की है जिसमें वो इंसानों के दिमाग में एक चिप लगाएंगे, जिसके जरिए इंसानी दिमाग को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकेगा। और साल 2050 तक सारे स्मार्ट सिटी हो चुके होंगे, जो बहुत सारे सुविधाएं और टेक्नोलॉजी से लैस होंगे और गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधाएं होंगी। 2050 तक हमें स्मार्ट न्यूज़पेपर जैसे टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। जैसा कि आज के समय में न्यूज़पेपर को एक बार पढ़ने के बाद हम उसे फेंक देते हैं या रद्दी के भाव में चला जाता है, लेकिन साल 2050 तक बाकी चीजों के साथ साथ हमारा न्यूज़पेपर भी एडवांस हो जाएगा। इस न्यूज़पेपर को आपको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ही न्यूज़पेपर होगी और जो हर सुबह अपडेट हो जाएगी और आप उसमें वीडियो भी प्ले करके देख सकेंगे। इन सब के बावजूद आप इसे फोल्ड करके रख भी सकते हैं। और आपको बता दें कि फ्यूचर में हमें मोबाइल फोन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 2050 तक हमें इस तरह के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप देखने को मिलेंगे जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे और इसके आर पार हम देख सकेंगे। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, मैं उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूँ जो हमारी वीडियोस को रोजाना देखते हैं और लगातार कमेंट के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले दिलीप कुमार और दूसरे हैं अनिल यादव। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आने वाली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ना वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।